अगर आप OLX से सामान खरीदते हैं तो अगली खबर आपके लिए है। OLX सहित अन्य ऐप्स पर अगर आप पुराने सामान खरीदने के शौकीन हैं तो इस खबर को आपको गंभीरता से देखना चाहिए। अब आप खुद देखिए कैसे OLX पर शातिर अपराधी चोरी और छिनतई के मोबाइल को बेच देते हैं। रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में शातिर अपराधी लूट छिनतई किए हुए मोबाइल सहित अन्य सामानों को ऑनलाइन मार्केट के जरिए खपाने की कोशिश कर रहे हैं। रांची के सदर थाना क्षेत्र से एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया जो OLX के जरिए छिनते हुए मोबाइल को बेचने का काम किया करता था। इस अपराधी के पास से मोबाइल का फर्जी बिल भी बरामद हुआ है। शातिर अपराधी ने कांके के रहने वाले एक युवक को 11,000 रुपए में छिनते किया हुआ मोबाइल बेच दिया था। को पसंद आया, हम मैसेज किए, मतलब फोटो का जो एड डाला था उसी में, तो उसके बाद उसी से बात किए चैट के जरिए, उसके बाद हम कॉन्टेक्ट नंबर लिए, उसके बाद नंबर से बात किए, फिर बात हुआ 11,500 में फ़ोन का। हमको बुलाया कि ऑक्सीजन पार्क पास आ जाओ, हम भी गए वहां पर, पैसा दिए और फिर फ़ोन ले लिए। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब OLX से मोबाइल खरीदने के बाद युवक जब इस्तेमाल कर रहा था तो टेक्निकल टीम के जरिए सदर थाना पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने OLX से मोबाइल खरीदने वाले युवक को सदर थाने बुलाया और पूरी जानकारी ली, जिसमें युवक ने पुलिस को बताया कि 11,000 रुपए में ऑनलाइन OLX से मोबाइल खरीदा था। मोबाइल यूज करता था, वो मोबाइल चोरी का निकल गया है तो सर थाना बुलाए करके, तो हम सर रांची आए हुए थे तो हम तुरंत फिर थाना पहुंचे, सर से भेंट हुआ तो सर हमको बताया कि इस तरह का बात है, मोबाइल जो ये यूज कर रहा है वो ट्रैक कर रहा है तो ये चोरी का मोबाइल है। तो फिर हम लोग पूरा सारा डॉक्यूमेंट्स दिया था सर, जो हम लोग खरीदे थे उसका एक जाली बिल बना के वो दिया था। OLX सहित अन्य ऑनलाइन खरीद बिक्री करने वाले साइट से पूरी तसल्ली के बाद ही खरीदारी करें, क्योंकि OLX पर भी शातिर अपराधियों ने अपना अकाउंट बना रखा है जो लोगों को चूना लगा रहे हैं। कैमरामैन कौशल के साथ न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।